कहाँ से हो मैं? गुड़गांव से। गुड़गांव में यहीं दिल्ली में होता है, पढ़ता है? हरियाणा में। हरियाणा में पढ़ता है जी। हम कल हरियाणा गए थे जी, नजदीक आई। क्या रहस्य जानने आई? मेरे पति का मर्डर हुआ है, लेकिन सुसाइड में बदल दिया पुलिस ने। मैं सीबीआई जांच के लिए आई हूँ आपके पास। मेरे को सरकार ने मारा, मेरे पैर तोड़ रखे हैं पुलिस वालों ने। मेरे पति का रहस्य जानने आई है, मर्डर हुआ है, बाद में उसको अपनी मौत बता दी है, घुमा दिया है, शत्रु घूम रहे हैं, और आपके शरीर पर भी दिक्कत की गई है, आपको प्रेशर बनाया गया है। आपने संकल्प लिया है कि जब तक रहस्य नहीं खुलेगा, सीआईडी जांच नहीं होगी, तब तक हम अपने बालों को नहीं धोएंगे। ये बाल नहीं धोए 4 साल से गुरुदेव। आपने 4 वर्ष से बालों को धोया भी नहीं है, सीआईडी जांच की मांग लेकर के आई है। रहस्य खुलेगा, मनप्रीत निकलेगा, चिंता मत करो, आशीर्वाद। कहां से आओ भैया? महाराज जी, पिछोर जिला से, ऊपरी मध्य प्रदेश। बोलिए क्या बात। महाराज जी, पिछले 2-3 सालों से बहुत ज्यादा बीमार हैं। क्या हो गया आपको? इन्फेक्शन पूरी बॉडी में हुआ था, दिल्ली में इलाज चला था, और घर वालों ने इलाज करवाया। नजदीक आ जाओ। और कोई बात बेटू? और महाराज जी, सभी लोग परेशान रहते हैं, नौकरी की भी समस्या। लिखा है, घर में हैरानी, सभी बीमार, पितर दो घूम रहे, जिस कारण से आपको चरम रोग बना हुआ था, स्किन में दिक्कत व इन्फेक्शन शरीर में था। पूर्ण कृपा होगी, आराम लगेगा, जॉब योग बनेगा, धन की तंगी दूर हो जाएगी। 2014 से ज्यादा परेशान है, वर्तमान में आप डिप्रेशन में है, तनाव में है, वो हटेगा, लौट के आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। बीच में चरित्र में फंस गए थे, जिस कारण से वहीं पर दिमाग कॉन्सेप्ट रहा, एक व्यक्ति से ही विशेष जुड़ा रहा, उसी का मंथन गिर गिर करते रहे, फिर तबीयत खराब हो गई। भूत बाधा किसी ने करवाई नहीं है, ना इन चक्करों में पड़े। पितृ दोष है, दो पितर है, एक पितर का नाम राजू है, जो उसकी अकाल मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक से, वो घूम रहे हैं, इस कारण से दिक्कत। बोले सच्चे दरबार की हाँ या ना? हाँ महाराज जी, बिल्कुल। बैठो बहन, साथ में है क्या कोई बहन आपके? कहाँ है आपके पति? अगर बुलाना चाहो आ जाओ भाई साहब, संगे भाव ने तमाम यहाँ पड़ी। हाँ, माइक लो बहन। कहाँ से आई हैं आप? चढ़गांव से, मथुरा से। मथुरा? अच्छा, चलो नजदीक है, यहाँ आसपास क्षेत्र है। चलिए, बस बस भाई, खुश रहो। पहली बार आई क्या आप दरबार में? पहली बार दरबार में आए? हाँ। कोई दरबार में गए तो नहीं? नहीं। पहले से मिले तो नहीं हमसे? नहीं। बताइए आपका प्रश्न क्या है? नहीं, कुछ बोल पा रही है, बोल पा रही है। नजदीक आ जाओ। हमने लिखा, क्या नाम जाको? वंशिका। अच्छा, और कुछ बोलते हैं? परी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दूसरा नाम लिखा है, तुमने वंशिका बताया, हमने सोचा हो सकता हमारा पर्चा गड़बड़ हो। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परी का बीमार रहती है, पूरे शरीर में दिक्कत रहती है, चल बोल नहीं पाती, फिट की दिक्कत, ब्रेन में समस्या है। माइक लीजिए, हाँ या ना? हाँ, ब्रेन की नस में दिक्कत है, ब्रेन की नस में ब्लॉकेज बना हुआ है परी को। आराम लगेगा, पर समय लगेगा, 1.5 वर्ष का आशीर्वाद है। बोली वाके तो सरकार की जय। सीताराम गुरु जी, मुझे जो राम जी आप बोलते हैं राजा पुरुषोत्तम है, तो राजा पुरुषोत्तम के मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है जी, तो जो उन्होंने सीता माता के साथ में जो वन में भेजा उनको, तो ये तो गलत है ना सर? सॉरी गुरु जी। सर सुनो, रुको, ये बोल रही हूँ कि जैसे मां सीता के साथ में गलत हुआ है, उन्होंने राजा का धर्म तो निभा दिया, पर पति का धर्म तो नहीं निभाया ना, वन में ऐसे समय भेजा जिस समय वो खुद ही माँ बनने वाली थी, तो ये तो उनके साथ नारी के साथ में बहुत गलत हुआ ना भैया। राज धर्म निभाने वाले का निज सुख कुछ नहीं होता है, राज पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति का प्रजा ही सुख होती है। और फिर नारी का क्या सर? गद्दी पर बैठा हुआ राजा केवल और केवल प्रजा का भला देखता है। गांव में एक व्यक्ति हो जिसके कारण पूरे गांव का विनाश होना हो, तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए जिससे गांव बच जाए। 100 लोगों के कारण अगर शहर बचता हो तो 100 लोगों का त्याग कर देना चाहिए, और 1,000 लोगों के कारण अगर राष्ट्र बचता हो तो उन 1,000 लोगों का त्याग कर देना चाहिए।